विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, जहां आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं सरकार ने आदिवासी दिवस पर पहले से ही ऐच्छिक अवकाश घोषित होने की बात कही। भयंकर अपमान हुआ है। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है, आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी, हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वह अपना त्यौहार मनाए। ये विश्व आदिवासी दिन, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिन, और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। मैंने तो आज सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करी कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिन पर जो इस सरकार ने किया है, मैंने आज श्रद्धांजलि दिया था। बहुत बड़ा अपमान पूरे समाज, आदिवासी समाज को हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रदेश और देश के, कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार तार कर दिया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया है, जनजाति आदिवासी नेताओं का अपमान किया है। सदन के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं, और जिनको हम श्रद्धांजलि देने वाले थे उनमें बहन सुश्री कलावती भूरिया जी, सूरजवान सोलंकी जी, रामराव कवरेती जी, लक्ष्मण राम जी, ये सब ट्राइबल लीडर थे। लेकिन भ्रम फैलाने के लिए, घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति है, घटिया सोच है। 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है, ऐच्छिक अवकाश है, आज भी ऐच्छिक अवकाश है, कैलेंडर देख लीजिए आप, उसमें छुट्टी घोषित है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारी जनजाति समाज की, हमारे ट्राइबल्स की, भारतीय जनता पार्टी से हितैषी और कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जितनी हितैषी और कोई पार्टी है ही नहीं।